दोस्तों, इससे पहले कि मैं ये रिपोर्ट आप लोगों के सामने रखूं, कि उससे पहले मैं आप लोगों से एक छोटा सा सवाल पूछना चाहता हूं। दोस्तों, 24 घंटों में 78 मिलियन व्यूज और 4.5 मिलियन लाइक्स का ये रिकॉर्ड 2021 में बॉलीवुड का कौन सा स्टार तोड़ सकता है, या फिर आने वाले सालों में बॉलीवुड का कौन सा स्टार इस रिकॉर्ड को तोड़ सकता है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नरेंद्र और मैं आपके लिए लेकर आया हूं और एक खास रिपोर्ट जो कि जुड़े भैया इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के रॉकिंग स्टार यानी कि यश की आने वाली मच अवेटेड फिल्म यानी कि केजीएफ के चैप्टर 2 से। तो दोस्तों, आपको तो पता ही है कि जिस फिल्म के टीजर का इंतजार इंडियन ऑडियंस और भाई विश्व की पूरी जनता बहुत ही बेताबी से कर रही थी, वो टीजर हम सब के सामने एक दिन पहले आ चुका है। और भाई, इस फिल्म के टीजर ने जो धमाल मचाया है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, इसकी गूंज तो पूरे विश्व में लगातार सुनने को मिल रही है। और भाई, इस फिल्म ने जो रिकॉर्ड अपने नाम किए हैं उसको देखने के बाद अब कई सारे सवाल पूरे विश्व के सामने आ गए हैं कि भाई, इस फिल्म में ऐसा क्या है कि भैया इस फिल्म का इंतजार पूरे विश्व की जनता इतनी बेताबी से कर रही है। और भाई, इस फिल्म के टीजर में ऐसा क्या था कि इसको इतना प्यार मिला, यानी कि भैया 24 घंटों में 78 मिलियन व्यूज और 4.5 मिलियन लाइक्स। और अगर हम बात करें 37 घंटों की, यानी कि मुझे लगता है कि 37 घंटे हो चुके हैं इस फिल्म के टीजर को लॉन्च हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, और अभी तक यानी कि अभी जो मैंने इसका रिकॉर्ड देखा था कि भैया अब तक केजीएफ के चैप्टर 2 के टीजर को 87 मिलियन लोगों ने देख लिया है और 5 मिलियन लाइक्स ऑलरेडी अभी तक इस फिल्म के टीजर को मिल चुके हैं। और उम्मीद हम लोग कर रहे हैं कि भैया कुछ ही घंटों में ये आंकड़ा जो है वो सेंचुरी के पार हो जाएगा, यानी कि इतनी तेजी से 100 मिलियन का आंकड़ा पार करने वाली ये टीजर बन जाएगी इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के लिए। यानी कि इतना जबरदस्त रिस्पॉन्स अगर इस फिल्म को मिल रहा है तो भाई बॉलीवुड इंडस्ट्री की किस फिल्म को इतना प्यार पूरे विश्व से मिलने वाला है। चलिए दोस्तों, मैं आपकी थोड़ी सी मुश्किल आसान कर देता हूं 2021 को लेकर कि भाई 2021 में बॉलीवुड इंडस्ट्री से कौन कौन सी बड़ी फिल्में सिनेमाघर में आने वाली है और जिनसे हम ये उम्मीदें लगा सकते हैं कि भाई ये फिल्में इस रिकॉर्ड को ब्रेक कर सकती हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करूंगा बॉलीवुड के खिलाड़ी कुमार यानी कि गारंटी कुमार की आने वाली मच अवेटेड फिल्म सूर्यवंशी की। दोस्तों, आपको तो याद होगा कि सूर्यवंशी को भी 2020 में सिनेमाघर में आना था, लेकिन ये फिल्म भी कोरोना वायरस की वजह से रिलीज नहीं हो पाई सिनेमाघर में। और बहुत ही जल्दी इस फिल्म को लेकर ये खबर हम लोगों के सामने आ जाएगी कि भैया ये फिल्म कब सिनेमाघर में आने वाली है। तो दोस्तों, यहां पर मैं आपको सूर्यवंशी को लेकर एक बात बता दूं कि भैया इस फिल्म के ट्रेलर को अभी भी 100 मिलियन का आंकड़ा छूने के लिए यूट्यूब में कुछ वक्त और लगने वाला है, यानी कि भैया इस फिल्म के ट्रेलर को 100 मिलियन व्यूज अभी तक नहीं मिल पाए हैं YouTube के प्लेटफॉर्म पे। तो भैया, ये तो बात हो गई सूर्यवंशी की। अब चलिए हम लोग बात करेंगे दबंग खान की आने वाली मच अवेटेड फिल्म यानी कि राधे योर मोस्ट वांटेड भाई की। तो दोस्तों, राधे योर मोस्ट वांटेड भाई का जो टीजर है वो बहुत जल्दी ही हम सबके सामने आएगा और उसके साथ ये बात क्लियर हो जाएगी कि ये फिल्म ईद के मौके पर सिनेमा घर में आएगी। लेकिन क्या इस फिल्म के टीजर को ऐसा रिस्पॉन्स मिल पाएगा जैसा कि केजीएफ के चैप्टर 2 को मिला है, यानी कि भैया इस फिल्म को भी 2020 में ही सिनेमाघर में रिलीज होना था लेकिन भैया इस फिल्म का भी काम 2020 में कंप्लीट नहीं हो पाया और ये फिल्म भी कोरोना वायरस की वजह से 2020 में रिलीज नहीं हो पाई और इस साल दबंग खान की ये फिल्म फिर से ईद पर ही आने वाली है, ऐसी खबरें आ रही है। लेकिन क्या आपको लगता है कि दबंग खान की ये फिल्म केजीएफ के इस रिकॉर्ड को तोड़ पाएगी अपने टीजर के माध्यम से? तो दोस्तों, ये तो बात हो गई दूसरे फिल्म की। अब इसके बाद हम बात करेंगे उस फिल्म की जिसका इंतजार किंग खान के फैंस काफी बेताबी से कर रहे हैं, यानी कि भैया इन दिनों किंग खान की आने वाली मच अवेटेड फिल्म यानी कि पठान को लेकर यह खबर सामने आ चुकी है कि इस फिल्म का पहला शेड्यूल कंप्लीट हो गया और बहुत जल्दी ही किंग खान इस फिल्म का काम शुरू करने के लिए देश से बाहर जाने वाले हैं और ये फिल्म दिवाली के मौके पर सिनेमा घर में आएगी। तो भाई, यहां पर फिर ये सवाल उठता है कि 2 साल का ब्रेक लेने के बाद जब किंग खान अपने फिल्म को फिर से एक बार सिनेमा घर में लेकर आने वाले हैं दिवाली के मौके पर, तो क्या उनकी ये फिल्म भाई जीरो का बदला ले पाएगी केजीएफ से? क्योंकि भैया केजीएफ के सामने ही किंग खान की बादशाहत धराशाही हो गई थी सिनेमा घर में।
और भाई इस बार पठान से अब ये उम्मीदें की जा रही है कि भाई पठान बदला ले लेगी केजीएफ से जीरो वाला। तो दोस्तों ये तो बात हो गई किंग खान की आने वाली उस फिल्म की जिसकी चर्चा इन दिनों बॉलीवुड में काफी हो रही है। और दोस्तों इसके बाद अब हम उस फिल्म की बात करेंगे जिसका काम अभी हाल फिलहाल में ही खिलाड़ी कुमार ने कंप्लीट किया है, यानी कि भैया मैं बात कर रहा हूं पृथ्वीराज चौहान की। दोस्तों क्या आपको लगता है कि पृथ्वीराज चौहान का जब टीजर भैया सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आएगा तो क्या वो केजीएफ के चैप्टर 2 के टीजर के इस रिकॉर्ड को तोड़ पाएगा? आप अपने कमेंट के माध्यम से जरूर बताएगा। और भाई अंत में मैं उस फिल्म की चर्चा करूंगा जिसको लेकर इन दिनों बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्ट यानी कि आमिर खान काफी चर्चाओं में है, यानी कि भाई मैं बात कर रहा हूं लाल सिंह चड्ढा की। तो दोस्तों लाल सिंह चड्ढा को लेकर यह खबर हम लोगों के सामने आ गई है कि इसकी शूटिंग अब अपने आखिरी फेज में आ गई है। और इस फिल्म को लेकर एक बहुत बड़ी जानकारी सामने आई थी कि भैया इस फिल्म में आमिर खान के साथ पहली बार शाहरुख खान और सलमान खान भी नजर आने वाले हैं, यानी कि भैया तीनों खान एक साथ इस फिल्म में नजर आ सकते हैं। तो क्या बॉलीवुड के तीनों खान के पावर के सामने क्या केजीएफ के चैप्टर 2 का पावर कम हो जाएगा? क्या लाल सिंह चड्ढा का पहला टीजर केजीएफ के चैप्टर 2 के इस टीजर का रिकॉर्ड को तोड़ पाएगी? अपने कमेंट के माध्यम से हमें बताइएगा। तो दोस्तों ये वो बड़ी बड़ी फिल्में हैं जो कि बॉलीवुड इंडस्ट्री की तरफ से सिनेमाघर में रिलीज होगी 2021 में, और इन फिल्मों से काफी उम्मीदें हैं बॉलीवुड के बड़े बड़े मेकर्स को। और भाई अंत में मैं एक फिल्म की और चर्चा आप लोगों से करना चाहूंगा, वो है दबंग खान की आने वाली मच अवेटेड फिल्म यानी कि टाइगर 3। यानी कि भैया टाइगर 3 को लेकर ये बात क्लियर की जा रही है। तो भाई टाइगर 3 को लेकर यह खबर तो हम लोगों के सामने आ चुकी है कि भाई अंतिम का काम कंप्लीट करने के बाद सलमान खान बहुत जल्दी ही टाइगर 3 का काम शुरू कर देंगे, और ये फिल्म भी हो सकता है कि इस साल सिनेमा घर में आए। लेकिन भाई मैं डैम श्योर आपको बताता हूं कि ये फिल्म इस साल नहीं आएगी, लेकिन जब ये फिल्म 2020 सिनेमा घर का रास्ता तय करेगी तो क्या ये फिल्म रिकॉर्ड तोड़ पाएगी केजीएफ के चैप्टर 2 के इस टीजर का? अपने कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल वारुण जंक्शन को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले, और बाकी अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइएगा।